नाम है संजीत और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो यूपीपीएससी के थ्रू ब्लॉक एजुकेटर की भर्ती थी, उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। वो एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करने हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अपना फॉर्म सॉरी अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तब आपको वो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये दोस्तों, सबसे पहले आप कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना, उसमें आपको टाइप करना UPPSC। ये टाइप करने के बाद मौके कर देना, सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करनी है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, डेट मंथ और ईयर, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम भूल चुके हैं, तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर हमें क्लिक करना है। देखिए, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ करना क्या है, कैंडिडेट का फुल नेम, कैंडिडेट के पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर ये डाल देनी है। तो ये देखिए दोस्तों, जितने भी आपके यूपीपीएससी के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुए थे वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो आपका ये देखिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2019 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, जो आपको पहली वाली वेबसाइट है उस पर जाना है वापस, और आपको यहाँ पर ये जो एडमिट कार्ड है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कॉपी किया रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड कर देना है। देखिए, अब डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो आपका एडमिट कार्ड था वो ओपन हो चुका है। अब ये आपका जो एडमिट कार्ड है आप या तो सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप प्रिंट एडमिट कार्ड को ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर ओके करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट या फिर सेव कर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपना ब्लॉक एजुकेटर का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।